नमस्कार साथियों, आपको पता है कि उद्यमी योजना के द्वारा जितने सारे लोग का पेमेंट आता है और उसके लिए क्या होता है कि पहले अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद जब फाइनलिस्ट में नाम आता है तो ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग कराने का जिम्मा इस बार सीपेट को दिया गया है। सीपेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ कि सीपेट में ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको यहाँ पर ये देखेंगे मेरे भाई कि एक यहाँ पर जितने सारे जो सीपेट हो गया उसके एक बिहार सरकार उस पर खर्चा करती है ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है ना सीपेट हाजीपुर, सीपेट भागलपुर और TRC पटना, NIELIT पटना, ATD पटना है ना, ये सभी को क्या किया गया है भारत सरकार के द्वारा जितने ये संस्था है ये सबका काम होता है क्या कि ट्रेनिंग कराना होता है। वही है इनका कहना है कि राज्य सरकार के संस्थानों के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में बिहार कौशल विकास मिशन यानी BSDM के गाइडलाइन के अनुसार आवासीय या गैर आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए, हो सकता है आवासीय यानी वहाँ पर रह करके या तो बाहर से भी उसको किसी तरह से प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय दिया गया है 80,16,000 रुपये का स्वीकृति के संबंध में यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो 80,16,000 रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में ये दिया गया है। तो ही इनका कहना है कि जो स्वीकृति हुआ है वो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें सीपेट हाजीपुर हो गया, भागलपुर हो गया, TRC पटना हो गया, ये सारे लोग को यहाँ पे देखा जाए तो इतना जो लोग हैं, इतना संस्था है, ये संस्था को 80,16,000 रुपये का स्वीकृति प्रदान की गई है। मांग के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जो है वहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है कि मांग के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संस्थावार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अनुमोदन प्राप्त कर उद्योग निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन के अनुमोदन प्राप्त केंद्रों में दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्था को बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन मिशन विभाग हो गया बिहार पटना की अधिसूचना इतना के माध्यम से अनुसार किया जाएगा। और बिहार कौशल विकास मिशन पटना को पोर्टल यूजर चार्ज का जो भुगतान है श्रम विभाग के द्वारा से उसको 13 मार्च 2019 के अनुसार ही किया जाएगा। तो ये सब जितने भी संस्था है इससे ही भागलपुर सीपेट हो गया, हाजीपुर हो गया, ऐसे ही नहीं कराता है, इसको गवर्नमेंट भी क्या करती है सपोर्ट करती है तब जा कर के ये लोग अपना खर्चा करती है। तो ये टोटल यहाँ पर कैसे कैसे खर्चा होगा वो बजट से इसका नाम दिया हुआ है स्वीकृति 80,16,000 के वो दिया गया है। और टोटल यहाँ पे बोला गया है कि जो उद्योग मित्र पटना में रक्षित जो राशि है को समय समय पर उद्योग निदेशक बिहार पटना द्वारा दिए गए निदेशक के आलोक में प्रशिक्षण संस्थान पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब है, ये आपको यही मैं जानकारी देना चाह रहा था कि जो 2022 से 23 में कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसके लिए जो 80,16,000 रुपये का राशि आवंटन किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST All Tips।